हर इंसान को उसी समस्या का सामना करना पड़ता है, दबाव, तनाव। वाई वाई क्यों आप इसे यूनिवर्सल क्यों बना रहे हैं? मेकिंग इट यूनिवर्सल। ये बस आपकी धारणा है। यू आर अज्यूमिंग दैट। ठीक है, आप दबाव में हैं, तनाव में हैं, और क्या? एक और बात, यातना। शादी करके योग के रास्ते पर चलते हुए मंजिल तक पहुंचना और शादी किए बिना योग के रास्ते पर चलना, कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के नाम दबाव, तनाव और यातना रखे। पत्नी और दो बच्चे, दबाव, तनाव और यातना। How's that? I don't know. मैं नहीं चाहता कि आप योग के रास्ते पर चलें। आप जिस भी राह पर चल रहे हो, अपने साथ योग को लेकर चलें। It will make... वो उस राह को आसान और खूबसूरत बना देगा। चाहे आप उत्तर की ओर जाएं या दक्षिण की ओर, अगर अंधेरा होता है तो आप टॉर्च लेकर जाते हैं, है ना? उत्तर की ओर जाने वाले टॉर्च लेकर जाते हैं और दक्षिण की ओर जाने वाले अंधेरे के साथ चलते हैं। कैसा होता है? नो। तो आप शादी करते हैं अपनी जरूरतों की वजह से। आप अपनी पत्नी के साथ पैदा नहीं हुए थे, हुए थे क्या? आप इस तरह से जन्मे थे, एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में। चूंकि आपकी कुछ जरूरतें हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, शायद आर्थिक, सामाजिक, वो भी होती हैं, है ना? तो कई जरूरतें होती हैं। वेरियस नीड्स। आमतौर पर शादी को ऐसा पैकेज माना जाता है जो इन सभी जरूरतों को पूरा करता है। शारीरिक जरूरतें, मानसिक जरूरतें, भावनात्मक जरूरतें, सामाजिक जरूरतें, कभी कभार आर्थिक जरूरतें भी। तो ये एक व्यापक पैकेज है। पैकेज। जब आप शादी करते हैं तो ये सारी समस्याएं एक साथ सुलझ जाती हैं। कभी कभार आपकी कुछ जरूरतों को पूरा करने से इनकार कर दिया जाता है, इसलिए आप दबाव, तनाव और यातना महसूस करते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपने अपने भलाई के लिए शादी की थी, किसी और के लिए कोई बलिदान नहीं किया था। आपने अपनी जरूरतें और अपनी भलाई के लिए शादी की थी, है ना? आपको ये जिंदगी भर याद रखना चाहिए। आपने शादी करके एक दूसरे इंसान को अपने साथ बांध लिया है अपनी जरूरतों के कारण। आपने दूसरे इंसान की खातिर ऐसा नहीं किया, है कि नहीं? Yes or no? सच यही है ना? Yes or no? Yes. हाँ, ये याद रखिए। अगर आप ये याद रखेंगे तो आप आभारी होकर जीवन जिएंगे, ठीक है? वो सभी पांचों जरूरतें न भी सही, कम से कम मेरी दो जरूरतों को तुमने पूरा कर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, है ना? सभी पांचों जरूरतें हो सकता है कि उन्होंने ठीक से पूरी नहीं की, लेकिन कम से कम दो या तीन को आपके पति या पत्नी पूरा करते हैं, है ना? उन्होंने किया कि नहीं किया? अगर उन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आप अब भी उनके साथ होते, है कि नहीं? Yes or no? अगर उन्होंने आपकी किसी भी जरूरत को पूरा नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आप अब भी उनके साथ होते। वो कुछ जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ जरूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रहे। आपके साथ भी ऐसा ही है, आप भी दूसरे व्यक्ति की हर जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ को आप पूरा कर रहे हैं, कुछ को नहीं, ऐसा है कि नहीं? तो ये दबाव, तनाव और यातना इसीलिए बन गया है क्योंकि अभी तक आपने चाहे उसे जैसा भी बना दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो तीन दिनों में, चाहे आपकी स्थिति कितनी भी बुरी हो, तीन दिनों के भीतर आप उसे एक शांतिपूर्ण स्थिति में ला सकते हैं।
अगर प्यार नहीं, अगर आनंद नहीं, तो कम से कम एक शांतिपूर्ण स्थिति आप 3 दिन के भीतर ला सकते हैं अगर आप इसके लिए 100% इच्छुक हो, है कि नहीं? कम से कम आप चुप तो हो ही सकते हैं, सिंपली चाहे कुछ भी हो जाए, पीस विल हैव, शांति छा जाएगी, और हो सकता है कि उन्हें ये पसंद आए। So, don't walk योग के रास्ते पर मत चलिए, रास्ते चाहे कोई भी हो, आप अपने साथ योग को लेकर चलिए। अगर आप योग को अपने साथ लेकर चलते हैं तो वो आपके रास्ते को रोशन कर देगा, चाहे आपने कोई भी रास्ता चुना हो। आपने अपना रास्ता अपनी जरूरतों के कारण चुना है। अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो ये आपके ऊपर है। जिन लोगों ने ये नहीं किया है, मैं चाहूंगा कि आप अपना रास्ता अपनी मजबूरियों के कारण नहीं बल्कि अपनी चेतन जरूरतों के आधार पर चुने। तो जब आपके जीवन में ऐसा चरण आता है तो ये अपने जीवन की ओर जागरूक होकर देखने का और ये सोचने का समय होता है कि क्या आज की जरूरतें 5 या 10 साल बाद भी आपके लिए कोई मायने रखेंगी। क्या आज आपकी जो साधारण जरूरतें हैं उनके लिए अपने जीवन को बांधना उचित है या ये बस आती जाती जरूरतें हैं? अगर वो बहुत प्रबल जरूरत है तो आपको शादी करनी चाहिए। अगर वो प्रबल जरूरत नहीं है, सिर्फ आती जाती जरूरत है, तो आप शायद बस सिनेमा जाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, फिर शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। Yes, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनकी जरूरतें बहुत प्रबल नहीं होती, वो बस आती जाती हैं, लेकिन सामाजिक ढांचा उन्हें मजबूर करता है। ये जरूरी नहीं है, इसे सजग होकर किया जाने वाला चुनाव होना चाहिए। चाहे आप किसी भी रास्ते पर जाएं, वो आपका सजग चुनाव होना चाहिए, मजबूरी में किया गया चुनाव नहीं। क्योंकि अगर आप मजबूरी में चुनेंगे तो आप हमेशा अपने आसपास के लोगों पर उसकी भड़ास निकालेंगे, क्योंकि आपको गुलामी का अनुभव होता है और आपको वो पसंद नहीं आता, तो आप अपनी भड़ास उन पर निकालते हैं और वो अपनी भड़ास आप पर। मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि आप उसे कैसे करते हैं। आप क्या करते हैं वो आपकी जरूरतों से तय होता है, लेकिन आप उसे कैसे करते हैं यह आपके जीवन की प्रकृति तय करता है। अकेले चलना फायदेमंद है या लोगों के साथ चलना? Yes, if you want to. हाँ, अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं। अफ्रीका में एक कहावत है, वो कहते हैं, if you want to, अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, अगर आप लंबे समय तक चलना चाहते हैं तो लोगों के साथ चलिए। अगर आप लंबा सफर कर रहे हैं तो साथ बेहतर है। अगर आपको छोटी दूरी तय करनी है और आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले जाना सबसे बढ़िया है ना? गौतम ने दूसरी बात कही थी, जब किसी ने उनसे यही सवाल पूछा, तो वो बोले, किसी मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बेहतर है, क्योंकि आपको देखकर उन्हें साफ हो गया कि आपसे और कौन शादी करेगा। तो ये गौतम के काम करने का तरीका था। वो हमेशा लोगों को किसी का साथ लेने के लिए मना करते थे। उनका कहना था, ये जीवन एक छोटा सा सफर है, आपको साथ किस लिए चाहिए? जब आप इस शरीर को छोड़ेंगे तो वो एक लंबा सफर है, वहां मैं रहूंगा। ये उनकी पेशकश है। लेकिन आपको लगता है कि जीवन लंबा है, इसलिए शायद आपको साथ की जरूरत है। अगर आपको साथ की जरूरत है तो आप उसे अपना सकते हैं, लेकिन आप इस साथ को कैसे निभाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप समझदारी से उसे निभाना चाहते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये करनी है, खासकर अपने बच्चों के साथ, ये करना ही है कि आपका मानसिक और भावनात्मक ढांचा जीवन के मूल सत्य पर आधारित हो। जीवन का मूल सत्य ये है कि आप नश्वर हैं। आपका मानसिक और भावनात्मक ढांचा आपकी नश्वरता के इर्द गिर्द बनाया जाना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप लगातार इसके बारे में जागरूक हैं कि यह एक छोटा सा जीवन है, किसी भी पल आपकी मौत हो सकती है,
तो आप अपने जीवन को एक खास तरीके से व्यवस्थित करेंगे और चलाएंगे। जब आपको पता है कि समय तेजी से निकल रहा है, किसी भी पल आप ढेर हो सकते हैं, तो आपके पास किसी से नाराज होने का समय ही नहीं है, है ना? आपके पास यहाँ किसी से लड़ने का समय नहीं है। आपके पास लंबे समय तक हताश होकर बैठने का समय नहीं है, क्योंकि टिक 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 ये निकलता जा रहा है। चूंकि आपका मानसिक ढांचा आपकी अमरता के इर्द गिर्द बनाया गया है, इसीलिए आपके पास ढेर सारा समय है लड़ने, हताश होने, निराश होने, कुड़ने, गुस्सा होने के लिए। आपके पास ढेर सारा समय है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर कोई अपना मानसिक और भावनात्मक ढांचा हमारे अस्तित्व की नश्वरता के इर्द गिर्द बनाए। आखिर आप पिछली पीढ़ी से बेटन लेकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने वाले कैरियर भर हैं, है ना? Yes. For a brief कुछ समय के लिए ये दुनिया आपके हाथों में होती है, उसके बाद वो किसी और के पास चली जाती है। You will see, आप देखेंगे कि पिछली पीढ़ी से बेटन लेने की प्रक्रिया सबसे भद्दे तरीके से होती है, अगली पीढ़ी को बेटन थमाने की प्रक्रिया भयानक तरीके से होती है। सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों का मानसिक ढांचा खड़ा होता है उनके अमरता के विश्वास के इर्द गिर्द। वो देखते नहीं कि वो नश्वर हैं। अगर आप लगातार सजग हैं कि आप नश्वर हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप समझदारी से व्यवहार करेंगे। आपके पास बेवकूफी के लिए समय नहीं होगा। मान लीजिए कि आपको पता हो कि कल आप मरने वाले हैं, तो क्या आप अपना आज का समय किसी से लड़ने में बिताएंगे? क्योंकि आपका समय निकल रहा है ना? आपका समय अब भी तेजी से भाग रहा है, डॉक्टर के आपको कोई भयानक बीमारी बताने के बाद नहीं, वो अब भी निकल रहा है ना? अगर आप इसकी संभावना को जानना चाहते हैं, इसकी विशालता को जानना चाहते हैं, तो समय बहुत तेजी से भाग रहा है। और समय एक बहुत ही सापेक्ष या रिलेटिव अनुभव है। अगर आप खुश और आनंदित हैं, तो चाहे आप 100 साल जिएं, ये बहुत छोटा जीवन होगा, पल भर में निकल जाएगा। तो इस छोटे से जीवन में आपको समय कहाँ मिलता है? दबाव, तनाव और यातना के लिए मुझे नहीं पता कि आपको कैसे समय मिलता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप खुद को अमर समझते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये एक छोटा सा सफर है, आपको इसे जितना हो सके गरिमामय और आनंद से भरा बनाना चाहिए। अगर आप ब्रह्मांड को नहीं जानते, तो कम से कम जीवन के इस अंश को जानना चाहिए मरने से पहले। हर किसी के साथ ऐसा होना ही चाहिए।